अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये दही की कढ़ी, पकौड़ों की कढ़ी बनाएंगे। ये दही है हमारा आधा किलो और ये दाल है। हम ये पकौड़े दाल के बनाएंगे क्योंकि मैं कभी भी बेसन के पकौड़ों की कढ़ी नहीं बनाई, मैं हमेशा दालों के पकौड़े ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, दाल में हम मूंग की, माश की और चने की दाल, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा मूंग की दाल है इसमें, आधा कप मूंग की दाल है और एक एक बड़ा चम्मच माश की और चने की दाल है ये। और अब हम पहले ये दालों को पीसेंगे और इसमें हम थोड़ी हरी मिर्ची, हमारे दालों को थोड़ा सा पीस लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन, ये एक चम्मच अदरक लहसुन है। हल्दी डालेंगे हम, हमारी दही की कढ़ी में लाल मिर्ची का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे। थोड़ी सी हल्दी और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, बिल्कुल आधे चम्मच से भी कम चाय के चमचे से, और ये चुटकी भर अजवाइन है और एक चम्मच चाय के चमचे से एक चम्मच जीरा डाल रहे, और तीन हरी मिर्चियां हैं, इसको मैं बीच में से तोड़ ली। और ये मैं हरी मिर्ची इसलिए कम डाल रही हूँ, एक तो बच्चों को मुंह जल जाएगा बच्चों का, और दूसरे ये तीखी है बहुत हमारी मिर्ची, बहुत तेज मिर्ची है। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, ये नमक चले गया, हम देख लेंगे नमक अगर कम है तो फिर से हम बैटर बनने के बाद में फिर से थोड़ा सा टेस्ट करके डालेंगे। ये ज्यादा बिल्कुल पेस्ट के जैसा बारीक नहीं पीसना है, ये थोड़े से दरदरे रहना है, दाल हमारी थोड़ी सी दरदरी रखना है। ये आधा किलो दही है हमारा, ये देखिए। अब हम कढ़ी की तैयारी करेंगे, तो ये मैं मिक्स जार में ही कर ले रही हूँ दही को। तो अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन, हरी मिर्ची और हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, ये एक चम्मच अदरक लहसुन है, इसी हल्दी डालेंगे हम, ये बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी चाय के चमचे से, नमक चाय के चमचे से आधा चम्मच, धनिया पाउडर डाली मैं, हल्दी आधे चमचे से भी कम है चाय के चमचे से, और नमक डालेंगे अब ये दो चम्मच, बड़े चम्मच से ये दो चम्मच हम बेसन डाल दिए। अब हम इसको ग्राइंड करके ग्राइंडर में ही मिक्स कर लेंगे मिक्सर जार में। लास्ट में हरी मिर्ची डाल रहे, तीन चार हरी मिर्चियां हैं ये। अब फिर से इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैटर रेडी है, ये बैटर हमारा, ये देखिए ये रेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे, छन्नी से छान लेंगे। एकदम सॉफ्ट कढ़ी बनना है हमारी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची, ये जो जो भी हम मिक्सर में डाल के पीसे थे, ये पूरा हम इसको ऐसा निकाल लिए। अब ये कढ़ी हमारी, ये कढ़ी का दही है। अब हम इसको थोड़ा इसमें पानी मिलाएंगे और पकाएंगे इसको चूल्हे पे। ये कढ़ी का हमारे दही, ये पूरा हम इसको अच्छे से छान लिए, हरी मिर्ची अदरक लहसुन जो भी था ये, इसको हम ऐसा छान के निकाल लिए। खाली
दही है, अब हम इसको पकाएंगे। नमक, अब इसको हम लगातार चलाएंगे चम्मच से, नहीं तो फिर अगर नहीं चलाए चम्मच तो फिर हमारी कड़ी उसमें लम्स आ जाएंगे, गाठियां आ जाएंगे, इसलिए लगातार हम इसको चलाते रहेंगे। जब पकने लग जाती कड़ी तो मुश्किल ही है थोड़ा, उसको लो फ्लेम पे रख के छोड़ सकते, छुला खाते इसको चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखिए हमारी कड़ी पकने लगी है। अब इधर साइड में हम क्या करेंगे, पकोड़े तलना शुरू कर दिए। चलिए अब ये कड़ी तो पक रही हमारी, अब हम पकोड़े तलेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये हरा धनिया कट करके डाल रही हूँ बैटर में हमारे, थोड़ा सा करी पत्ता भी डालेंगे हम। करी पत्ता नमक टेस्ट करेंगे, अगर नमक कम है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैं कम दिखा नमक तो मैं थोड़ा सा नमक डाली, और ये प्याज है ये थोड़ी सी हम क्रश कर लिए थे, ये प्याज हम चॉप कर लिए थे, थोड़ी सी प्याज डालेंगे। प्याज हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि प्याज में पानी छूटता। तो अब हम बिल्कुल पकौड़े तलना है ना हमको, प्याज मिक्स कर लिया, अब हम तलना शुरू करेंगे। ये पकौड़े चम्मच से भी डाल सकते हैं, मगर मेरे को हाथ से ज्यादा कंफर्टेबल दिखता ना, तो इसलिए मैं हाथ से डाल दिए। हमारे पकौड़े तले जा रहे हैं की तरीके, तकरीबन पक गई है कड़ी। अब हम इसको भजिए, जैसा हमारे भजिए तले जाएंगे हम कड़ी को तड़का भी लगा देंगे इंशाल्लाह। तो हमारे भजिए है देखिए, दालों के है ये, बेसन के नहीं होते, ये दाल के भजिए है। ऐसे दाल के भजियों की कड़ी आप भी बनाइए ऐसे पकौड़े तल के, बहुत ज्यादा टेस्टी रहती है कड़ी। देखिए हमारे भजिए कड़ी के, थोड़ा सा लहसुन मैं हमेशा कूट के डालती हूँ ना बाजार में, वैसे ये मैं कूट के डाल रही हूँ। और ये थोड़ा सा साबित लहसुन है, राई है और जीरा है, और ये सूखी हुई लाल मिर्च है, और 8-10 हम मेथी के दाने भी डालेंगे। बिस्मिल्लाह, ये लहसुन डाल दूं मैं, हमारा ये कुटा हुआ लहसुन है और ये साबित लहसुन है। और मैं पकौड़े तली थी ना तेल, वही तेल में मैं इधर कड़ी भी पका दी। थोड़े से 10-12 होंगे मेथी के दाने, राई और जीरा डाल दिए। लाल मिर्ची डाल रहे हैं, ये देखिए ये कड़ी का बगार हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी 2 चुटकी हींग डालेंगे,
देखिए हींग डाल दिए हम। अब मैं हमेशा बगार थोड़ा ठंडा होने के बाद ही कड़ी बगारती हूँ, तो ये हम थोड़ा सा एक 5 मिनट बगार को ठंडा कर लेंगे। और इधर साइड में देखिए हमारी कड़ी हो गई, ये देखिए ये कड़ी भी एकदम गरम गरम कड़ी में पकोड़े में नहीं डालती हूँ। अक्सर मैं थोड़ा कड़ी भी ठंडी कर लेती हूँ, बगार भी ठंडा करती हूँ, उसके बाद ही डालती हूँ। ये हमारी कड़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई, अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। ये पकोड़े डाल दिए हम, इसमें से मैं थोड़े से 4-5 पकोड़े बचा ले रही हूँ। ये मेरे पोतरे अब्दुल रहमान के लिए, क्योंकि उन्हों कड़ी वाले पकोड़े नहीं खाते अब्दुल रहमान। तो ये अब बगार है हमारा, ये देखिए हमारी कड़ी बनके रेडी है। ऐसा दालों के पकोड़े बना के आप भी बनाइए ऐसी कड़ी मेरे तरीक़े से, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएंगी। और चैनल को शेयर लाइक कमेंट्स करके बताइए, ये बनाइए पहले तो कड़ी, उसके बाद फिर देखिए कैसी बनी क्या है, कमेंट्स करके बोलिए। और सब्सक्राइब भी करिए, इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।